ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का है और आपके सामने आइसोमेट्रिक डायग्राम दिख रहा है। इसका हम आपको ऑर्थोग्राफिक बनाकर दिखाएंगे थर्ड एंगल में, ठीक है। और ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर पार्ट 11 लिखा है, इसका मतलब हमने पार्ट 10 भी अब तक बना दिया है। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 10 पार्ट बनाए गए हैं जिसमें अलग अलग टाइप की ड्राइंग बताई गई हैं। वो आपका हेप्टागन वगैरह बनाना और एलिप्स बनाना, ये सारी ड्राइंग अपलोड कर दी गई हैं। अक्सर लोग पूछते रहते हैं, आपको ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट क्लिक करना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे आपको 7 दिन की अलग से स्पेशल क्लास दिखेगी, उसके अलावा पार्ट वाइज भी क्लासेस दिखेंगी। तो पार्ट वाइज क्लासेस ज़रूर देखिए, आपके ड्राइंग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो थैंक यू। आगे वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको दिख रहा होगा, कई लोग बोल भी रहे थे सर थोड़ा आर्क वगैरह या फिर सर्कल वगैरह बनाने वाला हमें करके दिखा दीजिए। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें सर्कल बना हुआ था, तो इसमें आर्क टाइप का भी आपका बनेगा, तो इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लेके आया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले काम तो हमें ये देख लेना पड़ेगा कि इसको कौन सी चीज़ को कहाँ बनाना है। जैसे इस टाइप की हमने बताया था आपको फिगर में क्या दिया हुआ, हमें नहीं देखना। सबसे पहले हम अपने जो मेरी सीट है ड्राइंग सीट, उस पर ये लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, इसके लिए आप जो है, हमने एक वीडियो डाल रखा है डे 1 से डे 7 तक की, उसमें डे 1 वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि ये लाइनें कैसे और क्यों खींची जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ खींचने के बाद जो है हम आएंगे यहाँ फिगर पे, फिर देखेंगे किस चीज़ को कहाँ पे बनाया जाता है। वैसे एक्सिस हमने बना लिया था फिगर में, अब कौन से पार्ट को कहाँ बनाया, तो फ्रंट व्यू हम बनाएंगे थर्ड एंगल में। किस में बनाएंगे, थर्ड एंगल में, क्योंकि 99% चांस होता है थर्ड एंगल के आने का, इसलिए हम थर्ड एंगल में बनाएंगे। थर्ड एंगल में देखिए बनाना है फ्रंट व्यू एलिवेशन। एलिवेशन को क्या कहते हैं, फ्रंट व्यू कहते हैं, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, ठीक है। तो बता रहा है कि एलिवेशन इधर से देखना है, तो एक फ्रंट व्यू किधर है, राइट साइड नीचे की साइड में है, तो हम यहाँ भी फ्रंट बनाएंगे राइट साइड नीचे। साइड कहाँ है, बाएं साइड नीचे है, तो हम इधर भी बाएं साइड नीचे बना देंगे। टॉप कहाँ है, ऊपर है, प्लान लिख रखा है टॉप को, तो टॉप या प्लान एक ही बात होती है, तो प्लान कहे चाहे टॉप कहे एक ही बात है। तो एलिवेशन के फ्रंट के ऊपर जस्ट हमारा टॉप बनता है, या प्लान कह लीजिए, ठीक है। ये चीज़ कैसे हो रहा है, तो ये जानने के लिए आप, हमने एक वीडियो बना रखा है इंजीनियरिंग ड्राइंग का लाइव क्लास के नाम से, ठीक है। आप जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उसमें लिखा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग लाइव क्लास, उसमें देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फ्रंट ऑफ साइड क्यों और कहाँ बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम अपना शुरू करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फ्रंट, फ्रंट के बाद बनाते हैं टॉप, टॉप के बाद बनाते हैं साइड, ये हमारा रूल होता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रंट, फ्रंट हमें देखना है इधर से, तो देख लीजिए फ्रंट में क्या है। पहले देखते हैं टोटल चौड़ाई कितनी है, 114 आपको दिख रहा होगा, जो फ्रंट की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है कितनी है, 114 है, ठीक है। तो 114 हमारी लंबाई हो गई, अब देखना है कि अब टोटल ऊंचाई कितनी होगी इधर की, ठीक है। लंबाई तो पता चल गया थी 114, यहाँ पे कितना है 20 दे रखा है, 20 ऊंचाई हो गई, और कितनी हो गई, तो ये जानने के लिए हमें इसकी डायमेंशन पढ़नी पड़ेगी कि हमें ये जो मैक्सिमम हमें कितनी ऊंचाई तक दिखाई देगा इधर से देखने पे, ये मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक दिखाई देगा। तो 20 मिल गया, आप यहाँ देख रहे होंगे ये वाली लाइन जो है यहाँ दिखा रखा है, यहाँ से यहाँ 34 कहाँ तक है, सर्कल के सेंटर तक। तो मतलब ये हाइट 20 हो गई, 20 में हम और कितना जोड़ेंगे 34, 20 34 54 हो गया आपका, ठीक है। तो 54 हो गई, और कितनी ऊपर दिखेगी, तो देखिए यहाँ पे सेंटर लाइन तक दिख रहा है ना, जो हमारा सर्कल का सेंटर है वहाँ तक 34 है, इसके ऊपर ये वाली डायमेंशन मैक्सिमम हमें यहीं तक दिखाई देगा, जो इसकी सेंटर लाइन है यहाँ, ये जो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे है इसकी, तो सामने से आप देखोगे तो हमें मैक्सिमम यहाँ तक दिखाई देगा, इतनी ऊंचाई दिखेगी। तो यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, तो हमें पता चल गया 20 हो गया, 20 के अलावा यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया, और अब यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है हमें पता करनी है। अब देख रहे हैं यहाँ पे 34 दे रखा है, अभी वाली हमारी लाइन बच गई, यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो यहाँ देखिए इसमें दिखा रखा है, इस वाले को ध्यान दें, इसमें तो जो है सर्कल का दे रखा है, ये सर्कल है, इसका फाई 20 लिखा हुआ है, मतलब इस सर्कल का व्यास 20 है, लेकिन हमें चाहिए कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो आप यहाँ देखिए इस वाले फिगर में दिखा रखा है कि जो सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20, आर यहाँ गलत लिख दिया है, जबकि इसे लिखना चाहिए R20, ठीक है, R बाद में नहीं पहले होता है, R का मतलब रेडियस। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 20 है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर यहाँ से यहाँ 20 है तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा 20 ही होगा, यहाँ से यहाँ आओगे तब भी 20 होगा, यहाँ से यहाँ जाओगे तब भी 20 होगा, क्योंकि त्रिज्या 20 है ना, तो जैसे जैसे सर्कल बनता जाएगा हर जगह दूरी 20 ही आएगी आपकी। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है 20 होगी, तो टोटल ऊंचाई कितनी होगी, तो 20 प्लस 34 प्लस ये जो आर्क दे रखा है हमारा 20 का, ये टोटल हो गया 20 20 40, और ये 34 74, टोटल ऊंचाई हो जाएगी 74। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 74 फिर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। फ्रंट भी हमें यहाँ बनाना है, तो इस वाली लाइन पे हम पहले क्या करते हैं, 74 पे पॉइंट लगा लेते हैं,
70 हो गया आपका, यहाँ पे हो गया 74, हमने 74 पे पॉइंट लगा लिया। ठीक, कितना जाना है हमें, तो यहाँ पे देख रखे हैं लंबाई दे रखी है 114, तो हम जाएंगे 114, तो डायरेक्ट खींचेंगे तो लाइन तिरछी हो सकती है, इसलिए इधर भी क्या करेंगे 114 पे पहले पॉइंट लगा लेते हैं। कितनी चौड़ाई टोटल यहाँ पे दे रखा है, लंबाई इसकी 114 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 110, और यहाँ पे आएंगे 4 पे तो हो जाएगा 114। ठीक है, ये हो गया हमारा 114। अब क्या करना है, इधर से भी हम निशान लगा लेते हैं, टोटल ऊंचाई में कितनी मिली है, 74 मिली है, 74 मिली है, तो यहाँ पे भी नीचे 74 पे निशान लगा लेंगे, यहाँ से 74। अब इन दोनों को एक सीध में खींचेंगे तो हमारा लाइन तिरछा नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कितना खींचना है आपको पता है, 114 लंबाई है तो हम 114 तक खींचेंगे। यहाँ पे है 110, 11 पे आएंगे तो 110 होगा, और इसके आगे 4 पॉइंट में और आगे आना पड़ेगा, यहाँ तक हो जाएगा हमारा 114। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 114 लंबाई हो गई, फिर ऊपर देखिए 20 जा रहा है, ये देखा है ना, ये है। अब सामने से इधर से आप देखेंगे तो पहले हमें इतना ब्लॉक दिखाई देगा, तो 114 लंबाई और 20 चौड़ाई, तो चलिए 20 ऊपर निशान लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कितना जाना है ऊपर, हमें 20 जाना है, तो हम 20 यहाँ पे ऊपर चले आएंगे, इधर भी 20 ऊपर जाएंगे तो पहले 20 पे निशान लगा लिया जाए। उसके बाद इसको मिला लेंगे, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से कितना है टोटल, चूंकि हमारा पता है 114 है, तो 114 तक इन दोनों के सीधे मिलाएंगे 114। अब यहाँ पे आपस में इन दोनों को मैच करा देंगे, तो ये हमारा ब्लॉक तैयार हो गया, कौन सा है, जो सामने से दिख रहा था 20 की ऊंचाई और 114 लंबाई, तो 114 20 वाला ब्लॉक हमारा तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या दिखाई देगा, तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम सामने से देख रहे थे तो ये ब्लॉक दिखाई देगा, अब ये दो पट्टियाँ हमें दिखाई देंगी, और ये तो बीच में खाली है, इधर से कुछ दिखेगा नहीं, हमें 114 20 का ये ब्लॉक दिख गया, उसके बाद ये वाली पट्टी और ये वाली पट्टी, दो पट्टी दिखाई देगी, तो इस पट्टी को बनाना कहाँ पर है, फिर हम देखेंगे यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है। देखिए इधर देना भूल गया है, इधर दे रखा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी, देखिए नीचे दिखा रखा है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 32 है, तो ऐसे इधर भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ पे देखिए मिट गया है एरो, यहाँ पे था आपका, ये है आपका 32। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 32 है, फिर इसकी चौड़ाई कितनी है, तो देखिए दे रखा है 13, फिर बीच में कितना गैप है, तो देखिए नीचे दिखा रखा है 24 गैप है, फिर कितनी चौड़ी है, फिर 13 है, फिर कितना है, फिर 32 है, टोटल जोड़ेंगे तो आपका 114 हो जाएगा। इसका मतलब मैं ऊपर लाइन पर पहले कितना जाऊँ, यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है, तो 32 दे रखा है, तो पहले हम इस लाइन पर 32 पे निशान लगा लेंगे, 30, 2, 32। ठीक है, हमने 32 पे निशान लगा लिया, अब क्या करना है, 32 के बाद फिर 13 गैप है, 13 पट्टी बनेगी, तो हम क्या करेंगे, फिर बीच में 13 छोड़ देंगे, 10, 11, 12, 13। ठीक है, ये पट्टी की हमारी चौड़ाई होगी, ऐसे फिर इस साइड से भी कर लेते हैं, 32 इधर से है ना, 32 गैप और 13 चौड़ाई, बीच वाला अपने आप मिल जाएगा, फिर इधर से भी 32 पे निशान लगा लेते हैं, क्योंकि हमारी जो पट्टी दिखाई देगी वो कहाँ दिखाई देगी, 32 पे बनेगी, तो 32 अंदर आ जाएंगे, चौड़ाई कितनी है इसकी, 13 है पट्टी की, तो 13 पे निशान लगाएंगे, 11, 12 हो गया आपका 13। ठीक है, अब क्या करना है, अब डायरेक्ट खींचने में तिरछा हो सकता है, इसलिए ऊपर भी निशान लगा लेंगे, कितने पे, 32 और 13 वाला, थोड़ा सा टाइम यहाँ आपका लगेगा, लेकिन एक्यूरेट बनाना है तो आप निशान लगा के करेंगे तभी एक्यूरेट बनेगा, 32 पर हमने निशान लगा लिया, और फिर इसकी चौड़ाई जो है हमारी कितनी है, 10 के बाद 11, 12, 13। अब इन पॉइंटों को आपस में मैच करा देंगे। ठीक है, ये होगी यहाँ पे, फिर वैसे ही इधर हो जाएगी आपकी। उसके बाद क्या करना है आपको, ये ऊपर से आपका बंद हो जाएगा जो भी है, ठीक है, ऐसे ही फिर इधर वाला जो था हमारा 114 यहाँ पे था, देख रहे होंगे आप,
तो यहाँ से भी क्या कर लेंगे, 32 छोड़ लेंगे, 30 दो 32, 32 के बाद 13, 11, 12, 13, ये हो गया। इन दोनों को आपस में लाइनों को मैच करा लीजिए। वैसे इधर भी ठीक है, अब इन्हें आपस में ऊपर फिर मिला लेंगे। तो आप देख रहे होंगे सामने से मैं जो दिखाई दे रहा था, ये ब्लॉक दिखाई दे रही थी और दो पट्टियां दिख रही थी। तो ये पट्टियां कितनी हाइट तक दिखेंगी, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से 20 34 प्लस ये जो आर्क है 20 का है, तो अगर जब यहाँ से यहाँ तक दूरी 20 है, यहाँ से त्रिज्या तो ये घूमती हुई जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ भी कितना आएगा, 20 ही आएगा, इसीलिए इसमें 20 जुड़ जाएगा, तो टोटल 74 हो गया। तो हमने इस टाइप से बना लिया, लेकिन अभी भी इसमें हमें हिडन लाइन बनानी पड़ेगी। अब वो कहाँ बनेगी, तो आप देख रहे होंगे दो सर्कल बने हुए आपके, इसमें दो सर्कल हैं। सामने से तो हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि ये पट्टी है, पट्टी के पीछे सर्कल है, लेकिन हमें मालूम है कि इसमें दो सर्कल बना हुआ है। तो इस सर्कल को दिखाएंगे हम हिडन लाइन के द्वारा। तो पहले हमें इसका सेंटर ढूंढना पड़ेगा। सेंटर कहाँ है, तो आप देख रहे होंगे जो यहाँ से है, ये देख रहे हैं ना, इस वाले हिस्से से, मतलब 20 ऊपर, यहाँ से 20 ऊपर 34 के निशान पर देखिए सेंटर लाइन है। इस सर्कल का सेंटर कहाँ है, 34 ऊंचाई पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 34 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, 34 यहाँ निशान लगा लीजिए, ऐसे 34 इस वाले पे भी, क्योंकि इसका भी सर्कल जो सेम ऊंचाई पे 34 से भी, तो 34 इसका भी, तो इधर भी हम इस वाले पे भी क्या करते हैं 34 पे निशान लगा लेते हैं, और यहाँ पे खींच लेंगे सेंटर लाइन, ठीक है। 34 के निशान लगा के दोनों में क्या खींचेंगे, सेंटर लाइन खींचेंगे, क्योंकि हमें होल बनाना है और होल के लिए सेंटर लाइन होती है। इसका सेंटर लाइन हो गया, वैसे ही इसका हम सेंटर लाइन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दोनों का सेंटर लाइन होगा, कितनी ऊंचाई पे, 34 पे, यहाँ पे दे रखा था कि 34 पे हमारा सेंटर लाइन है। अब जो होल का डायमीटर है कितना है, तो देखिए यहाँ पर दिखाया 5 20, 5 का मतलब होता है व्यास, तो इस होल का जो व्यास दे रखा है वो 20 दे रखा है। तो अगर इसका होल का व्यास 20 है, तो इसका मतलब क्या होगा, सेंटर लाइन से 10 ऊपर और 10 नीचे, तभी तो व्यास टोटल होगा। सेंटर लाइन से 10 ऊपर और 10 नीचे कर देंगे, 20 हो जाएगा। तो 20 यहाँ पर दिखा देंगे हम, तो यहाँ पर रखेंगे स्केल को और निशान लगा लेंगे सेंटर लाइन से। अब सेंटर लाइन पर हमने रख लिया, सेंटर लाइन से 10 ऊपर निशान लगा दिया और 10 नीचे लगा दिया, तो क्या हो गया आपका, 20 हो गया, 10 ऊपर और 10 नीचे। ऐसे ही इस वाले पे भी, क्योंकि 5 20 दे रखा है, तो सेंटर लाइन पे रखेंगे और यहाँ से फिर लगा लेंगे 10 निशान ऊपर और 10 नीचे, ऊपर नीचे दोनों निशान लगा लिया। अब इन्हें जो है, चूँकि ये छुपा हुआ भाग है, तो छुपे हुए भाग को कैसे दिखाते हैं, हिडन लाइन, और हिडन लाइन खींची जाती है डैश डैश के द्वारा, तो यहाँ पर खींच देंगे इस टाइप से, ठीक है। ऐसे ऊपर वाला भी खींच देंगे, 10 10 पे जान निशान लगा रखा है, ये हो गई हमारी हिडन लाइन। ये देखिए आप इसको पूरा नापेंगे तो आपका कितना आ रहा होगा, ये 20 आ रहा है। तो ये जबकि हमारा जो होल था वो 20 का था, तो इस तरह से हम दिखाएंगे सेंटर लाइन बना के कि नहीं, 10 ऊपर 10 नीचे, टोटल होल कितना 20 का, इसके पीछे इस पट्टी के पीछे 20 का होल बना हुआ, इसलिए हिडन लाइन के द्वारा दिखा देगा, क्योंकि सामने से नहीं दिख रहा था, छुपा हुआ था। अब ये जो हमारा फ्रंट व्यू हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बारी आती है हमारी फ्रंट के बाद टॉप की। तो आपको पता है जितनी फ्रंट की चौड़ाई होती है, सॉरी लंबाई होती है, उतनी लंबाई किसकी होती है, टॉप की भी होती है। मैंने पहले भी आपको बताया था, तो टॉप व्यू बनाने के लिए हमें ब्लॉक बनाना पड़ेगा पहले, कितना आयताकार ब्लॉक बनेगा, तो 114 इसकी लंबाई हो गई, और इस देख रहे होंगे चौड़ाई कितनी थी, यहाँ देखा 76 इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, कितनी लंबाई रहेगी इसकी, 114। इसको डार्क कर लीजिए 114 तक, या फिर नीचे वाले से भी डायरेक्ट आप पॉइंट लगा के खींच सकते थे, ठीक है। बात एक ही, हमने 114 तक की लाइन खींच ली, या तो आप चाहते हो यहाँ से भी डायरेक्ट पॉइंट लगा लेते तो आपको नापना नहीं पड़ता। 114 हो गया, और ऊंचाई कितनी है, ये 76 दे रखा है, तो 76 ऊपर चले जाएंगे, 76, 75 हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा 76। तो इस वाली वर्टिकल वाली लाइन को 76 तक क्या करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 76, ये हमने कर लिया। अब क्या करना है, पूरा आयताकार ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो इधर भी पहले 76 पे निशान लगा लेते हैं, ताकि लाइन तिरछी ना हो, 76
76 पे हमने निशान लगा लिया। ठीक है, अब इस वाली लाइन को यहाँ से यहाँ तक मैच करा के 114 तक खींच लेंगे, क्योंकि इसकी लंबाई जो है हमारी वह 114 है। पॉइंट के सीध में रखेंगे और 114 तक खींच लिया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 114 लंबाई हो गई। अब इन जो नीचे वाली लंबाई है उससे इसको मैच करा दिया जाएगा। ये देखिए हमारा ब्लॉक बन गया। पहले हमने ब्लॉक बना लिया 114 और 76 का। अब इसके बाद देखेंगे कि ऊपर से क्या क्या दिखेगा। तो ऊपर से आप देख रहे होंगे इस फिगर में, तो इसमें हमें एक ब्लॉक ये दिखाई देगा ऊपर से देखने पे, फिर एक पट्टी ये दिखाई देगी, फिर इसके बीच में जो ब्लॉक है आयताकार ये दिखाई देगा, फिर ये वाली पट्टी दिखाएगी, फिर ब्लॉक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट टोटल इसमें दिखाई देंगे। तो देखिए इसका दो तरीका है। अभी कितना चौड़ा ब्लॉक है तो 32, तो हम क्या करें यहाँ पे 32 निशान लगा लेंगे, यहाँ 32 पे निशान लगा के लाइन खींच ले। या दूसरा तरीका है, मैंने बताया था आपको फ्रंट बना लेंगे तो उसकी मदद से तुरंत टॉप बन जाएगा बिना किसी मेहनत के। अब आपको पता है कि ये भी तो हमने 32 पे ही खींचा था, तो मैं डायरेक्ट इसी के सीध में इसके रखूँ और लाइन खींच दूँ। फिर ये बीच वाला पट्टी कितनी की है, हमें अभी बीच वाली पट्टी दिखाई देगी, तो हमें पता है नीचे देखा 13 चौड़ाई, मतलब ये पट्टी की चौड़ाई जो है 13 है। तो हम क्या करें, तो यहाँ से यहाँ 13-13 निशान लगा के एक पट्टी बनाए, या फिर डायरेक्ट हमें पता है कि नीचे वाली लाइन कितनी थी, पट्टी 13 की थी, तो डायरेक्ट इसी सीध में खींच देंगे तो 13 की काम हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे फिर ये बीच में कितना 24 का ब्लॉक है, तो आप 24 नापोगे, हमें नापने की जरूरत नहीं है, ये आप देख रहे होंगे नीचे जो बनाया था ये ऑटोमेटिक 24 बचा हुआ है। तो हम सीधे स्केल को मैच करा करा के खींच देंगे, तो ये देख लेंगे मेरी स्केल छोटी पड़ रही है। ठीक है, छोटी स्केल थी, अगर मैं इसे मैच करके यहाँ से अब लाइन खींचना चाहूँ तो वहाँ तो खो ही नहीं पाएगा, तो मैं बड़ी वाली स्केल यूज कर लूँगा। ठीक है, तो हमें नापना नहीं पड़ेगा, हमारा समय बचेगा, पॉइंट लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी टाइम लगता है हमारा सिर्फ फ्रंट व्यू में लगता है, बाकी क्या करते हैं, अभी इस लाइन के सीध में मैं मैच कराया और यहाँ पर अब एक लाइन खींच दूँ, ये हमने लाइन खींच दिया, तो ये कौन सा है, बड़ा वाला ब्लॉक तैयार हो गया। अब 13 वाली पट्टी, तो इसकी भी चौड़ाई 13 थी, तो अब मैं इस पर रखूँ इस वाली पट्टी पे, स्केल को बिल्कुल सही मैच कराना होगा। अगर आपकी स्केल तिरछी हुई तो फिर लाइन फिर आपकी गलत हो जाएगी, डायमेंशन गलत आ जाएगा। ये हमने 13 वाली खींच ली। ठीक है, अब बारी आ गई किसकी, जो बीच में है 24 बचा हुआ है, तो इसके बीच में भी 24 ही बचा हुआ है, तो इस पॉइंट पे मैं डायरेक्ट रख के खींच दूँ, अपने आप 24 वाला खींच जाएगा। यहाँ पे इस लाइन पे मैंने मैच कराया और इस वाली लाइन को खींच दिया। ठीक है, अब देखिए फिर 13 वाली बारी आ गई, जो 13 वाली पट्टी दिखाई दे रही है यहाँ पे, कौन थी, 13 की। तो फिर हम इसमें हमारी वाली लाइन कितनी की थी, 13 की थी, तो अब मैं फिर इस पर डायरेक्ट मैच कराऊँ, नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस नीचे वाले डायरेक्ट जहाँ जहाँ पॉइंट आपको मिलते जा रहे हैं लाइन खींचते जाइए, अपने आप आपका टॉप व्यू बनता जाएगा बिना मेहनत के। देखिए 13 खींच दिया, लास्ट में फिर कितना है, जो ब्लॉक बन गया अपने आप 32 का बच जाएगा। तो देखिए हमने बिना इसमें किसी कोई माप लिए बस फ्रंट व्यू की मदद से सारे ब्लॉक बना दिए, 32 वाला, ठीक है, 32 का, 13 का, 24 का, 13 का, 32 का, आप माप के देख भी सकते हैं, देखेंगे देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है 32, यहाँ देखेंगे तो ये आपका 13, बीच में 24, मतलब बिना माप लिए सारी एकदम एग्जैक्ट आ गई। तो चलिए हमने इतना बना लिया, ठीक है, जो मेन पॉइंट ये चारों ब्लॉक बना लिया। अब आएगी बात किसकी, जो हमें नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, ऊपर से हमें पट्टी तो दिखाई दे रही थी पर इसके अंदर होल बना हुआ है, लेकिन हमें ऊपर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको पता है कि इसके नीचे होल है, तो हमें इसको दिखाना पड़ेगा किसके द्वारा, हिडन लाइन के द्वारा, सेंटर लाइन बना के, क्योंकि होल है तो हमें पहले सेंटर लाइन बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं सेंटर लाइन कहाँ बनेगा। तो टोटल 74 था ना, तो इस किनारे से कितने अंदर आए सेंटर लाइन के लिए, तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारी जो ये रेडियस थी इस किनारे से यहाँ तक की रेडियस कितनी है, जो बड़ा वाला आर्क दे रखा था ये दे रखा ना 20, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारी जो है दूरी है वो कितनी है 20 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 पे यहाँ सेंटर लाइन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 20 है दूरी, यहाँ से यहाँ 20 का मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ 20 कहिए चाहे यहाँ से यहाँ 20 कहिए, दोनों एक ही बात है। तो हम यहाँ पे 20 पे निशान लगाएंगे इस साइड से, ऊपर की साइड से इस पट्टी पे क्या करेंगे, 20 पे निशान लगाएंगे, किस लिए, सेंटर लाइन खींचने के लिए। इस पे अगर 20 आ रहा है तो इस वाले में भी 20 ही आएगा, दोनों सेम ही है, एक ही चीज़ है। तो हमने 20-20 पे निशान लगा लिया। अब यहाँ पे क्या खींच लेंगे, हम दोनों पॉइंटों को एक सीध में करके सेंटर लाइन खींच देंगे, क्योंकि कहीं भी जब होल को दिखाया जाता है तो सेंटर लाइन खींच के दिखाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इसकी सेंटर लाइन, अब इस वाले की सेंटर लाइन,
ठीक है। तो ये सेंटर लाइन हमने खींच ली। अब जो है सेंटर लाइन बनने के बाद ऊपर से आप देख रहे हो तो होल की चौड़ाई कितनी है, तो आपको पता है इसका जो व्यास है 20 है, मतलब सेंटर लाइन से 10 इधर और 10 इधर, तो वही काम करना है जो हमने नीचे वाले में किया था, सेम वही काम रहेगा। सेंटर लाइन पे आप रखिए, ठीक है, और 10 नीचे निशान लगा दिए और 10 ऊपर निशान लगा दीजिए। ऐसे इधर भी सेंटर लाइन के पे एक को रख लीजिए, एक वाला इसके सीध में आ गया, फिर 10 ऊपर निशान हमने लगा दिया और 10 नीचे लगा दिया। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें हीडन लाइन के द्वारा आपस में मिला देना। इन दोनों को नहीं मिलाना है, सिर्फ इस लाइन के बीच मिडिल लाइन खींचनी है, ठीक है। वैसे इस लाइन के बीच मिडिल लाइन खींच लीजिए इस टाइप से, ऐसे ऊपर वाला भी खींच लीजिए, बिल्कुल आसान है, बस आपको ध्यान हल्का हल्का देना है। जो जैसे जैसे दिया हुआ फिगर में से वैसे वैसे काम करते जाइए। देखिए हमारा तैयार हो गया, ये आपका देखेंगे डायमीटर इसका, तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 20 है और बीच में सेंटर लाइन है। तो इस तरह से हमने टॉप व्यू का भी दिखा दिया। अब और ऐसी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, तो हमने फ्रंट बना दिया, फ्रंट के बाद आपका टॉप कैसे बनेगा ये भी दिखा दिया। अब बारी आएगी आपकी लास्ट में साइड व्यू की, तो साइड व्यू कहाँ बनेगा, तो आपने यहाँ फिगर में देख रखा है फ्रंट के जस्ट बगल में बनेगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं फ्रंट के बगल में हमारा साइड भी। तो जितनी इसकी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई थी वही सेम ऊंचाई इसकी भी रहेगी। तो इसकी ऊंचाई कितनी थी, 74 आया था, तो साइड व्यू का भी वही आएगा। आप देख सकते हैं साइड व्यू की जो ये चौड़ाई है ये कितना है, 76 है। यहाँ दे रखा, देखिए साइड व्यू की जो चौड़ाई है वह साइड इधर से देखना है हमें 76 है। ऊँचाई कितनी है, तो ये 20 दे रखा है, मतलब ये 20 हो गया प्लस 34 हो गया प्लस ये जो आर्क रेडियस इसका 20 दे रखा था यहाँ से यहाँ वाला, ठीक है। इसमें दे रखा ना आर्क यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो आर्क दे रखा है वह क्या है 20 है, तो वही हो गया आपका 30 54 20 74। तो सेम है इधर वाला जो इसका 74 था, सेम वही इधर भी होगा। तो वही चीज़ है, मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो आप यहाँ से यहाँ 74 का निशान लगा लीजिए, या आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं इसको, इसके सीध में डायरेक्ट खींच के इस लाइन को मैच करा करके, ठीक है। तो कितना हमें जाना है, 76 जाना है। बड़ी वाली स्केल यूज़ कर लेता हूँ मैं बिना नापे, क्योंकि हमें यहाँ पर या तो नाप के आइए या डायरेक्ट इसकी मदद से काम कर लीजिए। तो मैं इसी की मदद से काम कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी 74 पे था, हमें चाहिए कितना 74। तो ये मैंने रख लिया 74 पे, इस लाइन से पहले मैच करा लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसकी ऊंचाई 74 है, जो चौड़ाई हो कितनी 76 खींचनी है, मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। ऊंचाई तो 74 हो गया, 76 रहेगा इधर 76 पे, और यहाँ देख लेंगे आप ना, हमने ऊंचाई निकाला था 74 और चौड़ाई कितनी देर की 76 दे रखी, तो हम यहाँ से यहाँ 76 खींचेंगे। तो ये मैंने 76 पे रख लिया है, इस लाइन से मैच करा लिया, तो अपने आप ये 74 पे आ गई होगी। और ये हम खींच लेंगे यहाँ से यहाँ तक लाइन 76, जो कि हमारे फिगर में दे रखा है साइड व्यू की चौड़ाई कितनी है 76 है, तो 76 हमने खींच लिया, ये लाइन हो गई। अब देख रहे होंगे इसकी ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ 20 है, तो पहले हमें 76 और 20 वाला ब्लॉक बना लेते हैं, तब यहाँ पे 20 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 76 हमने यहाँ पे खींच लिया था, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 76, तो हमने यहाँ 76 खींच लिया। टोटल ऊंचाई कितनी थी साइड व्यू से, हमने देख ही लिया था कि ये 20 ऊंचाई है, 34 है, प्लस ए रेडियस 20 दे रखा है, तो 20 इसमें जुड़ जाएगा, तो आपका क्या होगा 54 20 74 हो गया। तो ऊंचाई 74 थी, तो ऊंचाई नीचे से 74 हमने ले रखा है। अब क्या करेंगे, अब नॉर्मल इधर से बनाते जाते कि साइड व्यू से हमें क्या क्या दिखेगा। तो साइड व्यू से पहले हमें 76 और ये ब्लॉक दिखाई देगा, पहले ये ब्लॉक बना लेते हैं। तो 76 हो गया, ठीक है। इस ब्लॉक की ऊंचाई कितनी, तो आप देख रहे यहाँ पर दिखा रखा है 20, ये 20 है, तो ये भी 20 रहेगा, ये भी 20 रहेगा। तो चलिए 20 की ऊंचाई में एक ब्लॉक बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 ऊपर तक, 20 को डार्क कर लेंगे इस वाली लाइन को, ठीक है। कहाँ तक, 20 ऊंचाई तक, ये यहाँ पे हो जाएगा 20 हमारा, यहाँ तक हमने इस लाइन को डार्क कर लिया 20 तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें ये लाइन इधर भी 76 तक पूरा ये ब्लॉक बनाना है। तो अगर मैं डायरेक्ट खींचता हूँ तो फिर तिरछी हो सकती है, इसीलिए 20 पे इधर से भी निशान लगा लीजिए। 20 ऊंचाई पे मैं यहाँ से भी निशान लगा लूँगा। अब आराम से मैं 76 तक इसी को मैच करा के खींच सकते, कितना 76 है लंबाई, ठीक है। तो मैं खींचूँगा 76 तक इस पॉइंट से मैच कराते हुए, ताकि हमारी लाइन जो है तिरछी ना हो, ठीक है। 76 तक हमने इसको खींच दिया, हो गया। अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे, ये मैच कर गया इसकी, देखेंगे तो देखिए 20 ही था। तो ये हमने 76 लंबाई और ये 20 ऊंचाई वाला ये ब्लॉक इतना बना लिया। साइड व्यू से यही तो दिख रहा था, एक ब्लॉक ही दिख रहा था। अब क्या दिखेगा हमें इधर से, अब हमें ये वाला हिस्सा दिखेगा,
ठीक है, एक ही ब्लॉक दिख गया। अब हमें इस टाइप के कर्व वाला ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। सेम इसी ऊंचाई का ही भी है तो पीछे वाला तो हिस्सा हमें नहीं दिखेगा, पर सामने क्योंकि दोनों सेम ऊंचाई का है ना, तो आप आगे से देखोगे तो हमें यही दिखेगा ना। तो ये ब्लॉक दिख गया, अब हमें ये चीज़ इतना दिखेगी, इस टाइप से पेपर टाइप से बनी हुई है। तो हम इस वाले ब्लॉक को इस टाइप से बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो आप दूर से एक तरह से देखिए तो आप इमेजिन कीजिए कि यह जो फिगर है खिसक के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो ये वाला जो लाइन है इसको यहाँ मानिए और इस वाले लाइन को यहाँ मानिए। तो उस हिसाब से फिर हम ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए अब इसके बाद 20 के बाद हमें कितना ऊपर जाना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ देखा 34, यहाँ से यहाँ तक जो सीधी लाइन है वो कितनी है, 34 है, दिख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक जो 34 तक है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो हम इधर खींचते हैं किनारे से 34 ऊपर, यहाँ जाएंगे कितना 34 ऊपर जाएंगे। तो अगर मैं देखिए डायरेक्ट खींचूँगा तो लाइन तिरछी हो सकती है, इसीलिए मैं ऊपर क्या करता हूँ 76 पे निशान लगा लेता हूँ, क्योंकि चौड़ाई इसकी 76 है। तो मैं यहाँ पे क्या किया, ये रहा हमारा 76 पे हमने पॉइंट लगा लिया। अब इसी सीध में कितना जाऊँ, 34 ऊपर चला जाऊँ, ठीक है। तो मैंने एक ज़्यादा ले रखा है, एक मिनट, ये मैच हो गई लाइन से, जाना कितना हमें 34 ऊपर जाना है। तो ये हो गया 10 20 30 4 34 तक हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। अब क्या करना है, ये 34 तक स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी, ठीक है। हाइट कहाँ कितनी ले ली हमने, 34 ले ली। अब इसके बाद ये वाला आर्क बनाना होगा जो ये गोलाई बन रही है इसमें, ठीक है। यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन थी 34 तक, अब इसके बाद हमें आर्क बनाना है। तो अब ये आर्क कैसे बनेगा, इसी में लोग परेशान होते हैं कि इस आर्क को कैसे बनाया जाए। तो आज आप समझ लीजिए, सारे ड्राइंग में ऐसे ही बनता है, आप आसानी से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस एक बार आप इसको देखेंगे बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। तो अब हम करें क्या, तो आप देखेंगे तो ये जो हमारे रेडियस है यहाँ से यहाँ तो कितनी है, यहाँ पीछे देख लें R20, मतलब जो बड़ा वाला गोला हमारा बन रहा है, जो आर्क बन रहा है, कितना त्रिज्या है, तो इससे किनारे से 20 है ना, R20 दे रखा है। मतलब मैं यहाँ जो 34 जाने के बाद 20 अंदर पे सेंटर लाइन लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना अंदर जाना पड़ेगा हमें, 20 पे यहाँ से मुझे एक सेंटर लाइन खींच लेता हूँ। तो उसके लिए पहले क्या करता हूँ कि इधर भी 34 में निशान लगा लूँ ताकि लाइन तिरछी ना हो। ये हो गया हमारा यहाँ 34 में निशान लगा लीजिए। या दूसरा तरीका है कि आपका ऑलरेडी यहाँ पे सेंटर लाइन देखिए खींचा हुआ है ना, ये भी तो हमारा 34 की हाइट पे था, तो सेम इसी सेंटर लाइन पे रख लीजिए इस टाइप से, और इसी सीध में आप आसानी से इसको मैच करा के आप सेंटर लाइन को खींच सकते हैं, ठीक है। इसकी सीध में हम ले लेंगे, एक सेंटर लाइन खींच देंगे इस टाइप से। अब क्या है, 20 इधर हो गया और ऊपर भी हाइट इसकी कितनी है, 20 ही तो है, इधर से भी 20 अंदर है, यहाँ भी तो क्योंकि आर रेडियस आर्क 20 है, तो यहाँ से यहाँ अगर 20 है तो ये जैसे जैसे सर्कल घूमता जाएगा हर जगह जो रेडियस आएगा हमारा 20 ही आएगा। तो हमारे ऊपर से भी हाइट कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ ऑलरेडी हमारा 20 बचा होगा, तो हम 20 अंदर जाके इसी सीध में सेंटर खींचेंगे। तो इस वाली लाइन पर जो है हमारा पॉइंट यहाँ तक क्या था, 76 था, तो इसी पर हम चले जाते हैं कितना अंदर, 20 यहाँ से यहाँ 20 पे यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है। नीचे भी 20 पे पॉइंट लगा लीजिए ताकि बिल्कुल हमारा सीधा है। अब इनके दोनों को लाइन के सीध में ही एक सेंटर लाइन खींच देंगे जो इसको कट करे, ये 20 हो गया, ये 20, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक सेंटर लाइन खींच दी। अब क्या करेंगे, हम अपने कंपास को लेंगे, कंपास को लेना है, ये दोनों लाइनें जहाँ पे कट की है, ठीक है। ये लाइनें हमने किस हिसाब से खींची, तो यहाँ से हमने देखा था कि जो बड़ा वाला आर्क दे रखा है कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो इसीलिए मैं इधर से 20 अंदर चला गया और ऊपर से भी 20 पे जाके सेंटर लाइन खींच ली। इधर से भी अंदर 20 चला गया और ऊपर से भी 20 आ गया, तो जो दोनों लाइनें बनी यहाँ पे सेंटर जहाँ कट की वहाँ सेंटर मिली हमें। अब इस पर हम अपने कंपास को रख देंगे जहाँ इसने कट किया हुआ है और ये वाली दूरी भरेंगे, ठीक है। ये वाली दूरी भरी है, या आप स्केल पे डायरेक्ट आर्क 20 दिया हुआ ना रेडियस, तो आप स्केल पे रख के डायरेक्ट 20 भर लीजिए, ठीक है। चाहे यहाँ रख के भरिए दूरी 20, क्योंकि 20 ही आएगा ना, तो चाहे स्केल पे रख के आप 20 दूरी भर लीजिए क्योंकि यहाँ पे हमारा आर 20 दे रखा है, या तो स्केल पे भर लीजिए, कहीं भी रखिए। भरने के बाद इसको यहाँ रखिए, इस लाइन से मैच कराते हुए क्या करना है हमें, एक सर्कल खींच देना, ठीक है, इस टाइप से। ये हो गया। अब क्या करना है, आप देख रहे होंगे ये सर्कल कैसे बन रहा था, यहाँ से एक सर्कल बनते हुए तिरछी लाइन आके यहाँ मिल गई है। तो अगर मैं दूर से देखूंगा तो ये लाइन हमें कहाँ यहाँ मैच करती हुई, मैंने बोला था ना इस फिगर को इमेजिन कर लीजिए कि खिसक के यहाँ आ गया, तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी कोने पे, मतलब इस कोने पे आके मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको रखना है अपने पेन तेल को इस कोने पे,
और इस वाले सर्कल का जहाँ से घुमा हुआ पॉइंट है इन दोनों को आपस में मिला देना। ठीक है, देख रहे होंगे बन गया आपका, आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर वाला हिस्सा हमारा बन गया। ठीक है, अब इधर से आप देखेंगे तो क्या ये ब्लॉक दिख रहा था और ये वाली आकृति दिख रही थी, तो उस वाली आकृति को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आपको बीच में सर्कल दिखेगा, इधर तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि ये होल बना हुआ है। कितने का होल है तो आप देख रहे होंगे लिखा हुआ 5x20, मतलब डायमीटर कितना, व्यास उसका 20 है। तो हम अपने कंपास में कितना भरेंगे, कंपास में 10 भरेंगे क्योंकि हम त्रिज्या लेंगे। ठीक है, व्यास 20 है तो हम त्रिज्या 10 ले लेंगे, तो 20 व्यास का अपने आप आपका सर्कल बन जाएगा। तो हमने 10 व्यास ले लिया स्केल पे कंपास के द्वारा 10। अब इसको यहाँ सेंटर पे रखूँगा और एक सर्कल खींच दूँगा, ये हमारा सर्कल बन गया। ठीक है, अब देख रहे होंगे बस हमें ये चीज़ बन रहा था, वो ब्लॉक बन गया, ये वाला हिस्सा जो बन रहा था इसको भी हमने बना दिया, हमारा फिगर कंप्लीट है। इसके बाद मेन तरीका होता है इसमें डायमेंशन दिखाने का, मैं सारा डायमेंशन नहीं दिखाऊंगा आपको मेन, क्योंकि और कैसे डायमेंशन दिखाना है आप डे वन डे टू वाली वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। रेडियस वाला मैंने डायमेंशन अभी आपको दिखाना नहीं बताया कि रेडियस वगैरह का या सर्कल का कैसे दिखाते हैं हम डायमेंशन, तो इसको मैं आज ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो फिगर बनने के बाद हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था जो पतली पतली हल्की लाइन है पहले तो इसको मिटा दी जाती है, जो लाइनें आपको ये सब दिख रही होंगी अभी मैं सारा मिटाऊंगा नहीं, आपको बता दे रहा हूँ आप लोग मिटा लेना। जैसे ये सब लाइनें जो मैंने स्टार्टिंग में 10-10 एम एम पहल की लाइनें खींची थी तो उन्हें मिटा दिया जाएगा, जो सिर्फ आपके फिगर की मेन लाइनें सिर्फ वही दिखाई देनी चाहिए आपको। ठीक है, तो इस टाइप से मिटा दीजिएगा। अब बाकी इधर आपको डायमेंशन कैसे दिखाना, तो बाकी देखिए इसका डायमेंशन मैं दिखा रखा हूँ जो फिगर में दिया हुआ था 114, तो 114 मैंने दिखा दिया, ये 20 था, यहाँ से यहाँ 34 था, यहाँ से यहाँ 20 था। ठीक है, फिर ऊपर वाला जैसे था 32, यहाँ ऊपर देख रहे होंगे और टॉप भी में जो है 32 है, 13 है, 24 है, 13 है, 32 है, तो इसको इस टाइप से दिखा दिया जाएगा। मेन मुझे आपको डायमेंशन दिखाना था कि रेडियस वाला कैसे दिखाते हैं, क्योंकि बाकी आप पहले की वीडियोस देखेंगे तो आप देख पाएंगे कैसे दिखाया जाता है, पर ये रेडियस वाला भी नया है। तो रेडियस को कैसे दिखाते हैं, तो जैसे इसका व्यास कितना है 20, तो रेडियस को 5 से दिखाया जाता है, तो इसको मैं इस टाइप से दिखाऊंगा। ठीक है, एक स्केल लेना आप सेंटर लाइन पर रखना, ऐसे लाइन खींच देना यहाँ से यहाँ तक, फिर ये एरो बना देना सेंटर लाइन के अंदर, और ये जो लाइन बाहर गई है फिर यहाँ पे आपको इसके लगाना और इसे सीधा खींच देना है, और इसके ऊपर लिखा जाता है 5x20। 5 का मतलब होता है डायमीटर, ये बता रहा है कि यहाँ पे देखिए निशान लगा हुआ ना कि ये जो यहाँ से आए एरो है इसका जो 5x20 है, मतलब इसका डायमीटर 20 है। दूसरा जो हमने ये वाला खींचा था, यहाँ पे कंपास रखा था, 20 अपने कंपास में भरा हुआ था, कंपास में हमने 20 भरा था, फिर यहाँ से रख के इस पे से हमने क्या किया था, ये आर्क बना दिया था। तो ये आर्क कितने का था कैसे पता चलेगा, तो यहाँ देखिए हमने दिखाया, यहाँ पे स्केल रखेंगे इसके, यहाँ पे ये आप यहाँ पे भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, या स्ट्रेट भी खींच सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ तिरछा खींचाऊँ तो आप इसे मिची पर खींचेंगे, तभी कहीं भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींचेंगे तब भी रेडियस होगा, यहाँ खींचेंगे तब भी रेडियस होगा। तो सीधे खींचना है, फिर एरो बना देना है, और फिर इस लाइन को आगे बढ़ा के फिर इसको स्ट्रेट करके इसके ऊपर लिखा जाता है R20। ठीक है, इसका मतलब ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है या रेडियस वो कितना लिया गया है, 20 लिया गया है। तो इस टाइप से डायमीटर का या फिर जो ये आर्क होता है ऐसे दिखाते हैं इसको। ठीक है, तो मैं नहीं था, बाकी आप जानते होंगे कि आपको कैसे यहाँ पे फ्रंट लिखना पड़ेगा, यहाँ टॉप, यहाँ साइड लिखना है, नीचे आर डायमेंशन आर एम लिखना है, और यहाँ पर आपको सिंबल बनाना है। तो अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं कि कैसे डायमेंशन दिखाना है या कहाँ पर क्या लिखना है, तो इसके लिए आप डे वन से डे सेवन वाली जो वीडियो बनी हुई है उसे देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, आई होप ये ड्राइंग आपको क्लियर हो गई होगी। और भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर हैं उनको ज़रूर देखिएगा, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कैसे वीडियो देखना है यूट्यूब में सर्च कर लीजिए ग्लोबल ITI, उसके बाद चैनल ओपन हो जाएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट एक जगह लिखा होगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, बहुत सारे लोगों को जानकारी है प्लेलिस्ट की, बहुत लोग ऐसे भी इनको नहीं जानकारी होती है, तो उनके लिए बता देना चाहूँ, प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 15-20 वीडियोज़ मिल जाएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन का मिलेगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, और भी अदर सब्जेक्ट हैं थ्योरी वगैरह का, उनको भी देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से आप ITI जो ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल इनसे जुड़े रहिए ITI के अपडेट्स के लिए, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, और भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसका आप कमेंट कीजिएगा, हम उसके रिलेटेड आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, साथ ही और लोगों को प्रमोट कीजिए जिससे हमारे चैनल से जुड़ें और हम और आप आगे तक ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।